इस रेल हादसे के बाद एक और बड़ा रेल हादसा हो सकता था और इसमें कई सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन ये भयानक घटना होने से बच गई, वो भी एक लोको पायलट और उनके साथियों की सूझबूझ के चलते। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं एमपी तक। दरअसल ये पूरी घटना 14 अगस्त की है, जब दमोह जिले के पथरिया के पास शाम करीब 6:30 बजे एक भीषण रेल हादसा हो जाता है। कटनी से सागर की ओर जा रही कोयले से भरी मालगाड़ी के 60 डिब्बे पटरी से उतरकर पलट गए थे। इस हादसे के कारण रेल पटरियां भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। वहीं गिरे हुए डब्बों का कुछ हिस्सा पास से गुजरने वाली पटरी पर जा गिरा था। इसी पटरी पर उल्टी दिशा में बीना से कटनी के लिए जा रही एक यात्री ट्रेन दौड़ रही थी, जो पथरिया स्टेशन से रवाना हुई थी और तकरीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। जब मालगाड़ी के डिब्बे पटरी पर जाकर गिरे तो इस दौरान बिजली के तार बहुत तेजी से कंपन करने लगे और इसी कंपन को देखकर लोको पायलट समझ गए कि आगे पटरी पर कुछ बड़ा हादसा हुआ है। उन्होंने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगा दी और एक भयानक हादसा होने से रोक दिया। 14 अगस्त 2024 को गाड़ी नंबर 090063 लेकर के बीना से कटनी के लिए आ रही थी, जो कि गाड़ी वापी से चल करके बिहार के पटना जा रही थी। जैसे ही गाड़ी पथरिया स्टेशन से स्टार्ट हुई, अपने मैक्स स्पीड जो 100 KMPH थी उससे गाड़ी रन कर रही थी। रन करते करते इधर दूसरे डायरेक्शन से एक गुड्स ट्रेन जिसमें कोयला पूरा लोड हुआ था, वो गाड़ी जो है उसी अपोजिट डायरेक्शन से पथरिया के लिए जा रही थी और हम पथरिया से आ रहे थे। अचानक से 1 किलोमीटर थोड़े दूर चलने के बाद जो जिस गाड़ियाँ, चूँकि इलेक्ट्रीफाई सेक्शन है और इलेक्ट्रीफाई सेक्शन में गाड़ियाँ बिजली के तारों से चलती हैं, वो बिजली के तार अचानक से बहुत तेज़ी से हिलने लगे। जो जिस गाड़ी में, जिस ट्रैक में मालगाड़ी आ रही थी, उस ट्रैक कोर को देख करके, उसके ओएचई को देख करके हम लोगों ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक मारा और गाड़ी खड़ी होने के बाद जब देखा तो गाड़ी के 8 से 10 डिब्बे उसी ट्रैक पर गिर चुके थे। अगर इस एक्शन में हमारे 30 से 35 सेकंड का विलंबन होता तो उस थोड़ी देर में हमारी गाड़ी उसी ढेर में चेंज हो जाती। वहीं अब रेलवे ने भी लोको पायलट, सहायक लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर को सूझबूझ दिखाने, क्राउड कंट्रोल करने और यात्रियों की जान बचाने के लिए सम्मानित किया है। उस क्राउड कंट्रोल में लोधी जी ने बहुत ही सराहनीय और आउटस्टैंडिंग काम किया, तो मैं इन तीनों मेरे क्रू के सदस्यों का बहुत अभिनंदन करता हूँ। इनको मैं इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने अपनी तत्परता से ऐसा काम किया और हजारों लोगों की जान बचाई। धन्यवाद। हाल ही के दिनों में देश में कई रेल हादसे हुए हैं, एमपी में भी एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन रेल कर्मियों की सूझबूझ के चलते ये हादसा टल गया। हम तक ये खबर पहुंचाई जबलपुर से सहयोगी धीरज कुमार शाह ने। एमपी से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे एमपी तक।